सिंगुलर प्लूरल सेंटेंसेस। सिंगुलर प्लूरल के पिछले वीडियो में हमने विभिन्न नियमों और वर्तमान तथा भूतकाल में मोडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स के उपयोग के बारे में सीखा है। अब कुछ वाक्यों को देखते हैं जिनमें प्लूरल नाउन्स का उपयोग होता है। जब आप सिंगुलर से प्लूरल में वाक्य बदलते हैं तो केवल नाउन ही नहीं अन्य शब्द भी बदलते हैं। चलिए इसे देखते हैं। वाक्य आई कैन सी अ बस को प्लूरल रूप में बदलने पर यह बनता है आई कैन सी बसेस। प्लूरल वाक्य में दो बदलाव होते हैं। पहला, बस शब्द बसेस बन गया। दूसरा बदलाव यह है कि ए शब्द हटा दिया गया क्योंकि ए का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। यह है अगला वाक्य, दिस इज अ शार्प नाइफ। इसका प्लूरल वाक्य है दीज आर शार्प नाइव्स। इस वाक्य में कई शब्द बदले हैं। नाइफ शब्द नियमों के अनुसार नाइव्स बन गया है। दिस शब्द दीज बन गया है क्योंकि जब हम एक से अधिक नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो दीज का उपयोग करते हैं। इज शब्द आर में बदल गया और पिछले वाक्य की तरह ही ए शब्द हट गया। अगला वाक्य है द बेबी इज क्राइंग। इसका प्लूरल है द बेबीज आर क्राइंग। बेबी शब्द नियमों के अनुसार बेबीज बन गया। इज शब्द आर बन गया। द शब्द नहीं बदला क्योंकि इसका एक या एक से अधिक नाउन्स के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें वाक्य दैट टॉय इज ब्रोकन। इसका प्लूरल है दोज टॉयज आर ब्रोकन। नियमों के अनुसार टॉय शब्द टॉयज बन गया। इज शब्द आर में बदल गया। दैट शब्द दोज में बदल गया ठीक उसी तरह जैसे दिस शब्द को दीज में बदला था। अगला वाक्य है माई फ्रेंड हैज अ फोन। इसका प्लूरल है माई फ्रेंड्स हैव फोन्स। इस वाक्य में दो सिंगुलर नाउन्स हैं। फ्रेंड शब्द में सिर्फ एस जोड़ने से फ्रेंड्स बन गया और फोन शब्द फोन्स बन गया। हैज शब्द हैव में बदल जाता है जब उससे पहले का नाउन प्लूरल हो जाता है। अगला वाक्य है देयर इज एन एयरक्राफ्ट इन द स्काई। इसका प्लूरल है देयर आर एयरक्राफ्ट इन द स्काई। हालांकि एयरक्राफ्ट शब्द का प्लूरल नहीं बदलता लेकिन इस शब्द आर में बदल जाता है। साथ ही एन शब्द हटा दिया गया है। और आज का अंतिम वाक्य है माई फुट इज हर्टिंग। इसका प्लूरल है माई फीट आर हर्टिंग क्योंकि नियमों के अनुसार फुट का प्लूरल फीट है। दिखाए गए वाक्यों के प्लूरल लिखने की कोशिश करें, फिर वीडियो चलाकर जवाब चेक करें और देखें कि आपने कितने वाक्य सही लिखे। नियमों को समझने के बाद आपको केवल वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का सही उपयोग करना है। पढ़ते रहें और अंग्रेजी में बोलते रहें।